जय हिंद। नमस्कार मेरे सेहत फ्रेंडियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी बच्चे जो SSC GD का इस बार पेपर दिए हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो की जो जानकारी है शायद इससे पहले आपने YouTube पर कहीं नहीं देखी होगी और आप सबको सावधान हो जाने की जरूरत है। जैसे ही आप इस वीडियो के डाटा देखोगे आपके समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो जो भी बच्चे जो इस बार SSC GD के पेपर दिए हैं उन सबको ये सूचना पहुंचाइए। वीडियो स्पेशली किस चीज को लेकर है वो आपको मैं बता देता हूं। मुझे पता आप सब इस समय आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आंसर की से भी बड़ा पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। आंसर की के बारे में भी आपको एक छोटी सी अगर अपडेट दूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि 17 मार्च यानी जैसे आज हो गया है, आंसर की आपकी कल मंडे या ट्यूसडे के अंदर लगने के पूरे पूरे चांसेस है। सबसे ज्यादा चांस है कल मंडे को आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। उसकी नई वाली जो वेबसाइट है उस पर आंसर की आएगी, लिंक साथ में आएगा, उसके अलावा बाकी कोई भी लिंक बेफालतू के ठीक है। अब आज की जिस वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, ये वीडियो बहुत जरूरी है आप सबके लिए और आप सब में से कई बच्चों ने ये गलतियां कर दी है और बाद में इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। देखो वीडियो किससे सावधान है कि अब धांधली नहीं चलेगी, मतलब डोमिशियल को लेकर ये वीडियो है। एक ये देखिए, एक ये नोटिस जारी हुआ था उप निरीक्षक पक्षीय कार्यालय ये CI सब की तरफ से नोटिस जारी हुआ था, ध्यान रखना ठीक है। इस नोटिस में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिशियल सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग ये नोटिस है, यानी जो डोमिशियल में आप फिजिकल के समय जो डोमिशियल वेरीफाइड करते हो ना उससे रिगार्डिंग है। इसमें क्या है विशेष अब सुनना, आगे से वीडियो पूरा देखना, आधा अधूरा वीडियो देखोगे जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी लगने के बाद में टोटे पड़ जाएंगे जब आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। ये डोमिशियल है, कब जारी हुआ था, 7/3/2024 को ये नोटिस जारी हुआ था। इस नोटिस का उद्देश्य क्या था, इसमें लगभग 5000 बच्चे यानी 5500 बच्चे वो पाए गए हैं जिनके डोमिशियल से रिगार्डिंग इन डिपार्टमेंट को शक है। देखो आगे, डोमिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिशियल सर्टिफिकेट जो फिजिकल के समय होता है, भर्ती से संबंधित पूरी डिटेल दी हुई है। ये जब आप लेटर देखोगे प्लीज रेफरेंस, इसमें साथ में एक CRPF ने भी लेटर दिया था उसके बारे में, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिशियल सर्टिफिकेट ये है CISF की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बोर्ड की तरफ से ठीक है। अब ये देखो, महानिदेशालय डायरेक्टर जनरल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिशियल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। अब इसमें देखना क्या क्या चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं इसमें आपको सब्जेक्ट अभी आगे मैं आपको दिखाता हूं, जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल के वेरिफिकेशन से है। इसमें देखो, इश्यू रिगार्डिंग मिस और फेक डोमिशियल सर्टिफिकेट CTGD एग्जामिनेशन 2021 और 2022 में कई बच्चों ने फेक डोमिशियल लेकर नौकरी प्राप्त कर ली है, उनके संबंधित ये केस फाइल हुआ है डिपार्टमेंटों में। कौन कौन से डिपार्टमेंट में, SSB, ITBP, CISF, BSF, असम राइफल, SSF, NCB। अब एक और बात आपको जान के झटका लगेगा, यहां पर केवल उन बच्चों को केवल ये डिटेल नहीं दी हुई, ये बच्चे कितने हैं देखो, 2021 में सभी फोर्सों के मिलाकर बच्चे हैं 1874 और 2022 वाली जो भर्ती है उसमें है 3627, यानी लगभग अगर हम इन बच्चों को मिलाए तो 5500 के आसपास बच्चे हैं। इन बच्चों के इश्यू रिगार्डिंग मिस यूज ऑफ फेक डोमिशियल सर्टिफिकेट ऑफ CTGD एग्जामिनेशन 2021 और 2022 में कई बच्चों ने जो फेक डोमिशियल यूज किया, यानी वो रहने वाले कहीं और के थे, डोमिशियल कहीं और का लगा दिया। एक चीज यहां पर आपको भी झटका एक और लगेगा, ध्यान रखना, ये तो संख्या ही नहीं है केवल, ये नहीं केवल संख्या है, आगे देखो इनके नाम भी जारी कर दिए हैं। जितने भी ये बच्चे हैं ना इन सब के नाम, रोल नंबर सब कुछ जारी कर दिया गया है। देखो पूरी की पूरी जो डिटेल है ना, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, सारी डिटेल ये जारी कर दी है इस नोटिस में। अगर आप ये नोटिस में आपको आप डिटेल में और देख लेना, इस नोटिस में सारी की सारी डिटेल आपको मैं कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। अब इसमें एक चीज और बताता हूं, इसमें केवल वही बच्चे नहीं है जिन्होंने फेक डोमिशियल यूज किया था, ना 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 ना, फेक डोमिशियल देखो कैसे हो गया। मान के चलिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है, आप रहने वाले हैं राजस्थान के, आपने गुजरात का डोमिशियल बनाया और लगा लिया तो अब आप झिल गए। आपके मदर फादर का डोमिशियल है राजस्थान का, आप गुजरात का, आप जांच के दायरे में है जी, आपका नाम इस लिस्ट में है जी। एक तो इनका लिस्ट में है, ठीक है, दूसरा किनका लिस्ट में है, दूसरा उनका भी लिस्ट में है जो जैसे मान के चलिए राजस्थान से ही है लेकिन रहने वाले राजस्थान के जनरल डिस्ट्रिक्ट से है और फॉर्म भर दिया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से,
और बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट का डोमिशन लगा दिया, मदर फादर का है जनरल डिस्ट्रिक्ट का, वो भी इस कतार में। आपको पता 2021 और 2022 वाली भर्ती में एक नोटिफिकेशन में चीज लिखी हुई थी कि आपका जो डोमिशन है वो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि से पहले का होना चाहिए। जैसे फॉर्म की आखिरी तिथि मान के चलो 31 जुलाई थी, तो 31 जुलाई से पहले का आपका डोमिशन होना चाहिए, तो वो भी इस रडार में आ गए हैं। ठीक है, तो इन बच्चों के जो जारी हुआ ना, अगर आपके पास में अगर आप इस प्रकार की धांधली करने के चक्कर में है ना, तो फंस जाओगे। ये सब जांच के दायरे में है सारे बच्चे। ठीक है, इनकी सारी डिटेलें, इनके रोल नंबर A to Z हर एक चीज ये इन्होंने जारी कर दी है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, और किसने किए, CISF के अंडर में एक पूरा पूरा केस चलेगा, CISF और CRPF के अंडर में, और ये पूरा का पूरा देख लो कब जारी हुआ, वो भी अगर आप तिथि देखोगे 20 फरवरी 2024 को ये जारी हुआ है। ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर 1 आरकेपुरम न्यू दिल्ली। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF रिक्रूटमेंट बेच के बारे में CRPF की तरफ से, ऊपर मैंने CISF की तरफ से बताया था, इश्यू रिगार्डिंग मिस यूज और फेक डोमिशियल सर्टिफिकेट CTGD एग्जामिनेशन 2022 और 2023 में, और भी इसमें कई चीजें लिखी हुई है जिससे आपसे संबंधित है, इसमें पूरी की पूरी डिटेल है क्यों इनके खिलाफ ये जारी हुआ है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, दे आर बिफोर इज ए लिस्ट डाटा ऑफ सच ए कैंडिडेट ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन CAPF 2021 और 2022 टू हैव देयर डोमिशियल सर्टिफिकेट ऑफ सम अदर स्टेट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय SSC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड प्रोवाइड टू दिस सच ए डायरेक्टर वाई SSC मेल डेटेड 11/1/2024 फोर्थ वाइज समरी डाटा ऑफ सच ए कैंडिडेट हु हैव पास्ड फ्रॉम स्टेट एजुकेशनल बोर्ड अदर देन द डोमिशियल स्टेट आर अंदर। यानी कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन कहीं और की, डोमिशियल कहीं और का, उनका मदर फादर का डोमिशियल कहीं और का, उनका डोमिशियल और का, वो सारे के सारे फंस चुके हैं। इसमें और भी कई चीजें लिखी हुई है, द मैटर एग्जामिनेशन आर SSC हेडक्वार्टर एंड इट वॉज द ऑब्जर्व दैट दे आर कैंडिडेट हैव पास देयर मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम वन स्टेट बट हैव प्रोवाइड डोमिशियल सर्टिफिकेट ऑफ द अनदर स्टेट। यानी वो पास किसी और का किया, डोमिशियल किसी और स्टेट का दे दिया है, वेस्ट बंगाल असम नागालैंड फॉर द सेक्रेटरी स्पिन इन द कैंडिडेट हैव शो ऑफ मैनेज टू सिक्योर डोमिशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर स्टेट टू सिक्योर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट वैकेंसी। यानी वैकेंसी में अपनी जगह पक्की करने के लिए जिन्होंने दूसरे स्टेट के डोमिशियल बना लिए, उन सब के बारे में है ये। ठीक है, इन द रिप्रेजेंटेशन द एप्लीकेशन हु इलीगल दैट एव लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। देखो बिहार के बहुत सारे बच्चे स्टेट ऑफ बिहार, असम एंड उत्तर प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश के भी हैव बीन सिलेक्टेड इन SSC GD एग्जामिनेशन अगेंस्ट वैकेंसी टॉप स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल से नौकरी पा ली है। स्पेशली ये लीगल डाटा है, ध्यान रखना इसमें लिखा हुआ है जो है कहां के, बिहार और उत्तर प्रदेश के, नौकरी कहां से पाली है, ये सब कुछ लिखा हुआ है नोटिस में, मैं आपको शेयर कर दूंगा कमांडो अकेडमी में, ध्यान रखना। बेसिक सर्टिफिकेट डोमिशियल एज द कट ऑफ इन द वेस्ट बंगाल वेरी लो कंपेरिजन द अदर स्टेट। यानी वेस्ट बंगाल की जो मेरिट है वो बाकी स्टेट की बजाय कम जाती है, इस कारण इन्होंने वहां के सर्टिफिकेट मंगा लिए। स्पेशली मेंशन किया गया है बिहार उत्तर प्रदेश और असम के कुछ बच्चों ने ऐसा किया, मेंशन किया हुआ है। यानी पूरी डिटेल, जितनी डिटेल मेंशन करने पूरा खुल के इन्होंने लिखा है हर एक चीज पूरी की पूरी, और भी कई चीजें लिखी हुई है इसमें। एक चीज और लिखी है, देखो, इन द रिगार्ड ऑफ कॉपी एस एस एच क्यू हेडक्वार्टर इसकी है, हैज ऑलरेडी बीन द प्रोवाइड ऑल द फोर्स वाइज डायरेक्टर लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 20/8/2023 फॉर द टेकिंग नेसेसरी एक्शन द मैटर ऑफ सो जेन्युइन कैंडिडेट ऑफ द स्टेट कंसिडर आर नॉट डिप्लॉय। अगर इसमें कोई ऐसे बच्चे हैं जो जेन्युइन स्टेट से हैं, उनके लिए कोई घातक नहीं है, द राइट टू सिलेक्शन इन CAPF असम राइफल एंड SSF इन व्यू ऑफ द अबव इन रिक्वेस्ट टू इमीडिएटली फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एड्रेस प्रोवाइड इन द डोमिशियल सर्टिफिकेट ऑफ दोज कैंडिडेट हु आर नेम अवेलेबल इन द टेस्ट। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आपके इन बच्चों के डोमिशियल में जो एड्रेस बताया गया है
अब वहां जांच होगी कि ये वहां पर रहने रहते थे या नहीं रहते थे। अगर ये नहीं रहते थे तो इन सबको बाहर किया जाएगा फोर्स से। ये पूरी की पूरी धांधली पर धक्का होगा। और इतना खुलकर एसएससी ने पूरा का पूरा डाटा दिया है कि बिहार उत्तर प्रदेश के बच्चों ने ज्यादा ये किया है, असम के बच्चों ने, वेस्ट बंगाल की मेरिट कम जाती है इस कारण ये किया है, उन्होंने वहां की कटो फाइल की है। और अब हम इनका चेक करेंगे कि वहां पर ये कितने दिनों से रह रहे हैं, पूरी की पूरी ये वेरिफिकेशन होगी, सारा का सारा ये देखो लिखा हुआ है डिटेल में। और ये इन बच्चों की जांच है, जिन जिन का नाम आया ना उन सबकी सारी चीजें दे दी गई है। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा कर रहा, मैं चाहता हूं ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए, सारे बच्चे जो एसएससी की तैयारी करें, अगर किसी ने धांधली की है तो मारे जाओगे आज नहीं तो कल, ठीक है, लेकिन खैर नहीं है, समझ लेना। आपकी ये नोटिस भी मैं आपको कमांडो अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है लाडलो। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि आपके लिए होगी, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। जय हिंद। और हाँ, 100% जेन्युइन है। जय हिंद, जय भारत।